तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। 6 घंटे के अंदर पे इस पर 8 लाख व्यूज आ चुके हैं। तो इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आप अपना फोटो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको फायर लेटर लगाने वाले वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपको फायर लेटर डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, जो आपका नाम है उस ना स्टार्टिंग का आपका लेटर लिखना है। इसके बाद आपको सिंपल उसको सर्च कर लेना है आपका, जैसे कि मेरा नाम सेलिन धरते हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इस फायर लेटर, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको लेटर मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को वीडियो के अकॉर्डिंग 10 से 20 सेकेंड के आसपास कर देना है। इसके बाद डन करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इस बॉक्स को क्लिक करना है, ऑफ साइड के बगल में एक बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपको फुल साइज में हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है, क्रोमा की पे क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो आपको 9.3 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक फायर लेटर डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल आपको गूगल पे सर्च कर लेना है फायर लेटर A to Z, तो आपको ए से लेकर जेड तक आपको मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए लेटर, वो आपको वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल इस तरह से सेंटर में एडजस्ट कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसे सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं आपको आगे पीछे हो रहा है, तो इसको आपको की सिंपल इस पर क्लिक करना है, की पे क्लिक करना है, और थोड़ा सा इसके आगे की तरफ लेकर आना है, और इसे भी आपको इस तरह से कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। तो वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है, अगर कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड करना चाहते हैं तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐसे आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी साउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक आइडियो कर देना है, और आपको वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो आपको देख सकते हैं एक न्यू साउंड ऐड हो चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड को हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं, और इसमें इस वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है, अगर कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड करते हैं तो। यदि एक्स्ट्रा साउंड नहीं ऐड करते हैं तो इस साउंड को आपको म्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर दिया हूँ, तो इसलिए इसे हमें म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद सेटिंग पर आना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।